नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की मुश्किलें और बढ़ती हुई। एक बड़ा खुलासा आरसीपी सिंह को लेकर हुआ है और ये खुलासा एक दैनिक अखबार ने किया है कि आरसीपी सिंह के परिवार ने कई प्लॉट खरीदे, 50 से ज्यादा प्लॉट खरीदे हैं पिछले 8-9 सालों में। जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर सामने आ रही है, अखबार ने जो खुलासा किया है, और इस खुलासे के बाद आरसीपी सिंह की मुश्किलें और बढ़ती हुई, या फिर ऐसा लग रहा है कि जेडीयू के लिए आरसीपी सिंह को निपटाना और आसान हो गया है। आरसीपी सिंह को बकायदा एक लंबा चौड़ा पत्र भेजा गया है। इस पत्र को कारण बताओ नोटिस कहते हैं, जिसका इस्तेमाल अक्सर सियासत में होता है, अलग अलग राजनीतिक दलों में होता है। बहुत खतरनाक हथियार है और जेडीयू ने अब इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल आरसीपी सिंह पर करना शुरू कर दिया है, या इस खतरनाक हथियार को चला दिया है आरसीपी सिंह पर। कारण बताओ नोटिस जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की तरफ से भेजा गया है। इस खुलासे के बाद कि आरसीपी सिंह के परिवार ने कुछ संपत्ति बनाई है पिछले कई सालों में, 50 से ज्यादा प्लॉट हैं, और उमेश कुशवाहा ने यह कहा है अपने पत्र में कि हमारे नेता, सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस रखते हैं, तो आप इसको लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। पूरा बयान हम आपको सुनाते हैं। उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, आरसीपी सिंह को जो लेटर उन्होंने लिखा है उसके मुताबिक लिखा है कि पार्टी के दो कार्यकर्ताओं के साथ आवेदन मिला है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आपके और आपके परिवार के नाम से 2013 से 2022 तक अकूत अचल संपत्ति का निबंधन कराया गया है, माफ कीजिएगा, जिसमें कई प्रकार की अनियमितताएं प्रतीत होती हैं। आप लंबे समय से दल के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के साथ अधिकारी और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 बार राज्यसभा का सदस्य बनाया, पार्टी का संगठन महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्र में मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर दिया। आप इस तथ्य से भी अवगत हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। इस पत्र में आगे लिखा गया है कि इतने लंबे सार्वजनिक जीवन के बाद भी उन पर कोई दाग नहीं लगा और ना ही उन्होंने कोई संपत्ति बनाई। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप परिवार के बिंदुओं पर अपनी स्पष्ट राय से अवगत कराएं। और यह पत्र उमेश कुशवाहा ने 4 अगस्त को भेजा है आरसीपी सिंह को, और जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक आरसीपी सिंह की तरफ से इस पत्र का कोई जवाब नहीं आया है। तो आरसीपी सिंह की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती हुई, एक बड़ा खुलासा उनके परिवार को लेकर, अकूत संपत्ति बनाई है ये खुलासा हुआ है, 50 से ज्यादा प्लॉट खरीदे हैं पिछले कुछ सालों में, और उसके बाद अब जेडीयू ने भी मोर्चा खोल दिया है पूरी तरह से। हालांकि जेडीयू पहले से मोर्चा खोले बैठी है, लेकिन अब आरसीपी सिंह पर जेडीयू ने एक्शन की तैयारी कर ली है। कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं आया तो जाहिर तौर पर जेडीयू कोई बड़ा एक्शन आरसीपी सिंह के खिलाफ ले सकती है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।